हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट का उपयोग किन कंडीशन में किया जाता है, अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और ये डिस्कस करेंगे कि अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशन में अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। अमोक्सिक्लेव 625 एक ब्रांड नेम है। अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट के अंदर साल्ट कंपोजिशन अमोक्सिसिलिन 500 mg, पोटेशियम क्लेवोनेट 125 mg होता है। अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट को एवेट कंपनी द्वारा बनाया जाता है। कुछ लोग एवेट कंपनी के नाम को अबोट भी प्रोनाउंस करते हैं, वैसे इसका सही उच्चारण एवेट है। अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट एक एंटीबायोटिक दवा है जिसका उपयोग शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर किया जाता है, जैसे टॉन्सिलाइटिस होने पर, साइनोसाइटिस होने पर, फेफड़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, पेट में इन्फेक्शन होने पर, दांतों या मसूड़ों में इन्फेक्शन होने पर, कान नाक साइनस या त्वचा पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या त्वचा पर कोई घाव होने पर आपका डॉक्टर आपको अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। पेशाब में इन्फेक्शन होने पर भी आपका डॉक्टर अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशन है जिनमें आपका डॉक्टर आपको अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट वायरल इन्फेक्शन होने पर, जैसे जुकाम या फ्लू होने पर काम नहीं करती है, इसलिए एंटीबायोटिक दवाओं को तभी लेना चाहिए जब एंटीबायोटिक दवा की जरूरत हो। बार बार या बिना जरूरत के एंटीबायोटिक दवाओं को लेने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने पर वो एंटीबायोटिक दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी, और ऐसी सिचुएशन में इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए आपके डॉक्टर को दूसरी एंटीबायोटिक दवा देनी पड़ सकती है। अब हम डिस्कस करें कि अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रिकमेंडेड होता है। अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट को खाली पेट लेने से नोजिया, वोमिटिंग या पेट में बेचैनी की समस्या हो सकती है, इसलिए अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट को खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए। 12 साल या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्टर अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट को दिन में 2 बार लेने की सलाह दे सकते हैं। इन्फेक्शन ज्यादा गंभीर होने पर डॉक्टर अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट को दिन में 3 बार भी लेने की सलाह दे सकते हैं। दवा की डोज, उम्र व इन्फेक्शन की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग हो सकती है, इसलिए आपको अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। आपको अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट को उतने समय के लिए लेना चाहिए जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट को लेने की सलाह दी है, क्योंकि अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपके शरीर में इन्फेक्शन वापस आ सकता है, इसलिए अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट के कोर्स को आपके डॉक्टर द्वारा तय गए समय तक पूरा लेना चाहिए और उससे पहले बंद नहीं करना चाहिए। अब हम डिस्कस करें कि अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ज्यादातर लोगों में अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट लोगों में अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट की वजह से नोजिया, वोमिटिंग, दस्त या त्वचा पैरेसिस हो सकते हैं। अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट की वजह से सीवियर एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। अगर आपको अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट को लेने के बाद सांस लेने में दिक्कत, मुंह गले या होठों पर सूजन, छाती में खिंचाव, त्वचा पर खुजली या रैशेज होते हैं तो आपको तुरंत ही नजदीकी हॉस्पिटल में जाना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के हो सकते हैं और सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होने पर तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। अब हम डिस्कस करें कि अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और किन कंडीशन में अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति को लीवर या किडनी की कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि लीवर और किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों में अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट की डोज घटानी पड़ सकती है। अगर किसी व्यक्ति को अमोक्सिसिलिन, क्लेवोलेनिक एसिड, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक या सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक दवाओं से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। अब हम डिस्कस करें कि क्या गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट का सेवन कर सकती हैं या नहीं। अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट प्रेगनेंसी कैटेगरी बी की दवा है। गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर ज्यादा जरूरत पड़ने पर अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं, इसलिए गर्भवती महिलाओं को अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भवती महिलाओं को अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट को नहीं लेना चाहिए, और जो महिला स्तनपान करा रही हैं उनके लिए भी अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट माँ के दूध के जरिए बच्चे तक पहुँच सकती है और बच्चे में नोजिया, वोमिटिंग, दस्त या एलर्जिक रिएक्शन आदि साइड इफेक्ट पैदा कर सकती है, इसलिए गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।